Assalamu alaikum, my name is Amna Ruj with roll number 1010 and my presentation topic is steps in gentle counselling. Disorder को diagnose करने के लिए 5 major steps होते हैं. First है history और diagnosis of the patient, pedigree charting, estimation of risk, transmitting information and treatment. First step है history. History में मतलब डायग्नोज करने के लिए डिजीज़ को पेशेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए. इसमें जो फर्स्ट है पेशेंट से मतलब रिलेटेड उससे प्रेजेंट और पास से रिलेटेड डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद फैमिली हिस्ट्री को देखा जाता है कि फैमिली में किसी मेंबर को पहले वो डिजीज़ तो नहीं थी. फिर उसकी बेस्ट हिस्ट्री मतलब प्रेगनेंसी का देखा जाता है पास्ट और फिर करंट सिचुएशन में. अगर कोई एक्सरे वगैरह का स्कोयर करवाया प्रेगनेंसी तो वो ख़तरा बन सकता है प्रेगनेंसी के दरमियान. वेस्टिंग मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट है पेडिग्री चार्टिंग. पेडिग्री का मतलब होता है फैमिली हिस्ट्री मतलब उसमें तमाम मेंबर्स का मतलब रिलेटेड डाटा लिया जाता है और उसको एक तरतीब में लिखा जाता है. और इसके में मतलब प्रॉपर एनालिसिस के बाद क्वेश्चनिंग के बाद पैडरी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इसके बाद पैडरी को चार्टिंग के बाद हम जेंटिंग काउंसलिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ रिस्क मतलब अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसके मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर होगी और कितना हार्मफुल होगा वो पेशेंट के लिए. इसे रिक्योरेंस रिस्क भी कहते हैं क्योंकि अगर एक डिसीज़ अकर हो गई है तो उसके दोबारा अकर होने के भी चांस है. किसी भी फैमिली मेंबर के हो सकता है वो दोबारा डिजीज़. इसके बाद है मोड ऑफ हिंग. इसमें मतलब डिफरेंट फैक्टर्स पॉइंट्स होते हैं जिसके ज़रिए से रिस्क का एस्टिमेट किया जा सकता है. मोड ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स जो डिजीज़ का मोड ऑफ इनहेरिट जो डिजीज़ इनहेरिट हुई है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है या ऑटोसोमल है. मीन्स ऑटोसोमल मीन्स जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें कोई म्यूटेशन वगैरह आ जाती है तो वो डिजीज़ इनहेरिट हो जाती है. एनालिसिस ऑफ पेडिग्री जो हमने पेडिग्री मतलब फैमिली चार्ट बनाया था उसको एनालाइज किया जाता है कि मेंबर में डिजीज पेरेंट्स में थी या नहीं थी. पेरेंट्स में थी तो ट्रांसफ़र हुई है या पेरेंट्स में नहीं थी फिर भी चिल्ड्रन में बच्चों में आ गई है. रिजल्ट ऑफ वेरियस टेस्ट फिर टेस्ट किया जाता है जो मतलब डिजीज़ है उससे मुतलिक प्रॉपर रिकॉर्ड फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता है. फिर नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन. ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन में मीन्स जो रिज़ल्ट हमने पेडिग्री चार्टिंग डायग्नोज किया है पेडिग्री चार्टिंग बनाई है फैमिली हिस्ट्री ट्री बनाई है और उसके बाद इसका एस्टिमेशन लगाया है. उसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन जो रिज़ल्ट है उसको पेशेंट को बताना होता है. उसके लिए कुछ फैक्टर हैं जिसको मद्देनज़र रखा जाता है. उसमें फर्स्ट आ जाता है साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट. अगर वो रिज़ल्ट पेशेंट को बताएंगे तो पेशेंट की साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट होगा, फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर कैसा होगा फिर पेशेंट के साथ, फैमिली बैकग्राउंड में जो फैमिली का एजुकेशन मतलब एजुकेटेड है अगर वो डिजीज़ के बारे में जानते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल उनकी वैल्यू देखी जाती है और फिर एथिकल मॉरल इम्प्लीकेशंस को देखा जाता है. और इन्फॉर्मेशन कन्वे ट्रांसमिट करने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि पेशेंट को ईजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, उस डिज़ीज़ और उस ख़तरे के बारे में आगाह किया जा सके. नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट जो है मतलब कुछ डिजीज़ होती हैं जिनका ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दिया जाता है कि उसका मतलब क्योर होता है, जो उस मतलब मुकम्मल बीमारी ख़त्म हो जाती है. जेंटिंग में मतलब कुछ डिसऑर्डर है जिनका मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत लिमिटेड स्कोप है ट्रीटमेंट का. मतलब इट्स मेन पर्पज़ इज़ प्रिवेंशन देन क्योर मतलब इसका कोई क्योर नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन के ज़रिए हम इसको मतलब ट्रीट कर सकते हैं. मतलब क्योर का मतलब होता है मतलब एक इलाज में इलाज करवा रहे हैं और डिजीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसके चांस नहीं है कि दोबारा वो डिजीज़ हो. लेकिन जो ट्रीटमेंट में होता है वो बस रिस्क को कम कर सकता है लेकिन मुकम्मल बीमारी ख़त्म नहीं होती है. और इसमें अगर हमें मतलब जल्दी मतलब डिजीज़ का पता चल जाता है कि ये डिजीज़ है तो इसका ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दिया जाता है ताकि उसके मतलब बीमारी के ख़तरे को जब कम किया जा सके. लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी लेकिन उसका बीमारी का ख़तरा होगा वो कम हो जाएगा. एंड थैंक यू.